सोलन के परमाणु में एक अजीब सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की मदिरा पीने के बाद आंखें चली गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक ने मदिरा का सेवन अपने दोस्त के साथ किया था और उसके बाद धीरे धीरे उसे दिखाई देना बंद हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे परमाणु अस्पताल लाया गया, जहां से उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। फिलहाल ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर पीड़ित की आंखों की रोशनी अचानक कैसे गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि उनके पास पीड़ित की माता ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके बेटे की मदिरा पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। उन्होंने शक जताया कि जिस दोस्त के साथ पीड़ित ने मदिरा का सेवन किया था, उसने उसकी मदिरा में जरूर कुछ मिला दिया था। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पिछले कल हमारे पास परवानू थाने के अंतर्गत एक महिला ने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बयान दर्ज करवाया कि इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। जो बेटा है ये परवानू में मॉर्फिंग कंपनी में काम करता है, और ये जो है पिछले 12 तारीख को किसी दोस्त के क्वार्टर में गया था, और वहाँ पे इसके अनुसार जो इसका दोस्त है उसका नाम हितेंद्र है, उसने इसको शराब में कुछ नशीला पदार्थ डाल के पिला दिया, और इसके बाद इसकी आंखों की रोशनी जो है वो कम होना शुरू हो गई। जब इसने ईएसआई हॉस्पिटल में चेक करवाया, ईएसआई हॉस्पिटल से इसको पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया, और पीजीआई में इसकी अभी ट्रीटमेंट चल रही है, जहां डॉक्टरों ने जो प्राइमा फेसी बताया है कि इसकी जो आंखों की रोशनी है वो चली गई है। इस पे पुलिस ने 336 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है।